हेलो फ्रेंड्स, अस्मिता फूड जोन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चाउमीन। चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 1.5 लीटर पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे चाउ। अब इसे 3 से 4 मिनट लगभग 80% पकने तक इसे उबाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे उबालते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये लगभग 80% पक गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक स्टेनर में छान लेंगे। अब यहाँ पे एक पैन को गर्म कर लिया है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन। इसे हल्का सा पका लेंगे और अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को लगभग 30 सेकेंड भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर, शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी। इन सब को हाई फ्लेम पे चलाते हुए 1 मिनट भून लेंगे। सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है। A few moments later. सब्जियों को लगभग 1 मिनट पका लिया है। अब इसमें डालेंगे लगभग 1 छोटी चम्मच विनेगर, 2 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टमाटो सॉस और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे चाउ। और इसके ऊपर से इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च। और अब इसे इस तरह से मिक्स करते हुए 2 मिनट पका लेंगे। चाउमीन को मिक्स करते हुए लगभग 2 मिनट पका लिया है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है और इसे बनाने में लगभग 10 मिनट का समय लगा है। आपका जब भी मन करे आप इसे बहुत ही कम समय में फटाफट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।